अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल क्लास 8। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सुमैरा नास और आज हम अपने लेक्चर नंबर 18 का आगाज करेंगे जो कि आपका वीक 7 का लेक्चर नंबर 3 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी मैथमेटिक्स की सिंक टेक्स्ट बुक की यूनिट 3 के एक्सरसाइज 3.2 से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू बेस 2 सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने उन्हें बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक से डेसिमल सिस्टम को बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इसका क्वेश्चन 1 जो हमें दिया हुआ है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर्स यानी काउंटिंग जो हमारी रोज़मर्रा की काउंटिंग है जो हम अपनी रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं उसके नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमने उसे बेस 2 सिस्टम में चेंज करना है। और हम पढ़ चुके हैं कि बेस 2 सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है यानी कंप्यूटर के सिस्टम की काउंटिंग है। सो हमने इस 36 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स का ही काम है, 1 और 0। इसके अलावा किसी और नंबर का काम नहीं है। और हमने इसमें फैक्टर्स भी सारे के सारे किससे बनाने होते हैं, 2 से। 2 के अलावा हम किसी और से फैक्टर नहीं बना सकते। सो अब 36 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। 36 के जब फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे और 2 से करेंगे तो देखें 2 1 2 एंड 2 8 16, क्योंकि 3 में से जब 2 जाएगा 1 बचेगा वो 6 के पास चला गया 16, तो 2 8 16 रिमाइंडर मेरे पास आया 0। अगेन 2 9 18 रिमाइंडर आया 0। 2 4 8 रिमाइंडर बचा 1। 2 2 4 रिमाइंडर आया मेरे पास 0। 2 1 2 रिमाइंडर आया 0। सो मेरे पास जो इसका आंसर आया 36 का बेस 2 सिस्टम में वो यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट करना है, तो 1 00 1 00 आंसर आया है इसका। यानी बेस 2 सिस्टम में 36 इक्वल है 1 00 1 00 के, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2020-15 क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अब जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी 2 से ही बनाऊंगी, तो देखें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 2 1 2 0 2 1 2 0 और रिमाइंडर मेरे पास आया 0। अगेन 2 5 10 1 2 के टेबल में नहीं आता, सो मैं इसकी जगह लूँगी 0 यानी 2 0 0 1 अब 0 के साथ मिल गया तो 10 हो गया, तो 2 5 10 अगेन रिमाइंडर मेरे पास आया 0। 2 2 4 1 कैरी यहाँ आ गया, तो 2 5 10 और 2 2 4 1 रिमाइंडर बचा, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। 2 1 2 5 है, तो 2 2 4 5 तो नहीं आता ना, सो 5 से छोटा 4 है, 2 2 4 1 रिमाइंडर 2 के पास चला गया, तो 12 2 6 12 रिमाइंडर इन द एंड मेरे पास आया 0। 2 6 12 2 3 6 रिमाइंडर 0। 2 3 6 2 1 2 रिमाइंडर 1। 2 1 2 1 यहाँ आया, तो 11 2 5 10 रिमाइंडर 1 बचा, वो यहाँ आ गया। 2 7 14 रिमाइंडर 1। 2 3 6 रिमाइंडर 1। 2 1 2 रिमाइंडर 1। अब जब मैंने इसका यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया तो देखें 1 1 1 यानी 1 1 1 अगेन 1 1 1 00 देन 1 फिर 00, तो ये इसका आंसर है 1 1 1 1 00 1 00। यानी बाइनरी 2 में 2020 इक्वल है 1 1 1 1 00 1 00 के, ये इसका आंसर है। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से मेरा है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 5 तक के पार्ट सॉल्व करने हैं और इसके अलावा 11 से लेकर 15 यानी टोटल 10 क्वेश्चंस आपने इसके सॉल्व करने हैं। 6 टू 10 के क्वेश्चन आपने नहीं करने, सिर्फ 1 से लेकर 5 और फिर 11 से लेकर 15 तक ये 10 क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन 1 के जो कि एक्सरसाइज 3.2 का है अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करने हैं। इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करिए या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का लेक्चर हुआ मेरा यहाँ ख़त्म। थैंक यू।